एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में एसजेपीयू एवं एएचटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक की गई, जिसके संबंध में एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी एसओपी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पॉक्सो एक्ट के संबंध में जारी आदेशों के अनुपालन, अनुसंधान एवं अभियोजन, सीडब्ल्यूसी सेल्चर होम, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी विवेचक के समक्ष आ रही समस्या, एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान, बाल श्रम और भिक्षावृत्ति की रोकथाम, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में हुए नवीनतम संशोधन, पॉक्सो एक्ट के मुकदमे पंजीकृत करते समय और बेल नोटिस प्राप्त पर कार्रवाई और बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और दिशा निर्देश का पालन आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस अवसर पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, विशेषज्ञ बाल संरक्षण, पूर्व वर्तमान बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, अभियोजन अधिकारी, कारागार विभाग, न्याय विभाग, चिकित्सा विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, यूनिसेफ, चाइल्ड लाइन, थानों के एएचटी व सभी थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, सभी लोग बाल कल्याण अधिकारी कहाँ गए? तुम कहाँ से होगी? जब तुम खड़े हो उनके बगल में, तुम किस बारे में, किस बारे में तुम बात कर रहे हो? वही बाल संरक्षण वाली अब किसी को समस्या बताई है सेंटर पर ड्यूटी की गई है कि आया है आज कौन बताओ भी बताइए दिक्कत है आप बोली नहीं है एक प्रेग्नेंट लड़की है जिसका 9 मंथ चल रहा है और हम लोगों ने क्या कहे या कहना नहीं चाहिए सरकारी संस्था आच्छादित है आपसे जी। एसजेपीयू एंड एसजेओ की कोऑर्डिनेशन मीटिंग यहाँ पे आयोजित की गई है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ पे आते हैं और उनसे संबंधित जो समस्याएं होती हैं उस पर चर्चा की जाती है और उनको एड्रेस भी किया जाता है। इसमें आज भिक्षावृत्ति के संबंध में, बाल आश्रम के संबंध में और एक अभियान जो चल रहा है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, जिसमें बच्चों को नशे से दूर रखने का अभियान है, वो उसके संबंध में चर्चा हुई है। सभी डिपार्टमेंट्स इसमें मिलकर काम कर रहे हैं और इसमें अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। साथ ही जो सीडब्ल्यूसी ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, उसके से संबंधित जो समस्याएं हैं उस पर भी चर्चा की गई है और विवेचकों को जो हाई कोर्ट के निर्देश हैं पॉक्सो एक्ट से संबंधित, उसके संबंध में चर्चा की गई, पॉक्सो एक्ट के संबंध में चर्चा की गई और जो हाई कोर्ट के निर्देश हैं उसका कंप्लायंस करने के निर्देश दिए गए।